हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ पोइट्री जिसका नाम है, जिसको हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे, जिसका नाम है इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर एंड दिस इज रिटन बाय जयंता महापात्रा। सो इससे पहले हमने इनकी कई पोइट्रीज को कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट सारी ही पोइट्री को कंप्लीट कर लिया है। सो द पोएम इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर इज रिटन बाय फेमस पोइट एज यू नो जयंता महापात्रा। इन दिस पोएम द पोइट इज कन्वेइंग इमेंस सैडनेस दैट इज बियॉन्ड एंड टाइप ऑफ टिपिकल हार्ट ब्रेक, कि जब किसी लव वन की डेथ हो जाती है फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, तो उस टाइम की जो मेमोरीज हैं उसको रिमाइंड करते हुए उस सैडनेस में ये पोइट्री लिखी गई है। द मेमोरी ऑफ द डेड पीपल आर अफेक्टिंग द नरेटर, इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन दे आर गॉन। और जो लोग चले जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते, वी ऑल नो। और ये एक क्या होता है, ये एक ग्रीफ होता है, एक मेंटल पेन होता है सबकी लाइफ में, चाहे वो आप हैं चाहे वो मैं हूं। तो जो लाइन से इसकी स्टार्ट होती है, दिस इज द काइंड ऑफ सैडनेस विच क्लोज द आईज एंड द मेमोरी फॉर फेसेस एंड द डेड नेवर अपीयर्स। ये एक तरह का सैडनेस का माहौल है जहां पे स्टार्टिंग जो होती है, द पोएम इवनिंग डिपिक्ट्स अ सीन ऑफ अ रिवर, एक रिवर का सीन है इन द इवनिंग ओडिशा में। जो नरेटर है वो फील करते हैं, ही लुक्स ओवर द सेंस, द फीलिंग ऑफ सैडनेस मेक्स हिज क्लोज ऑफ द आईज, और वो जो दर्द है उस दर्द की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। द एटमोसफियर इज ग्लूमी, द ग्लूमी एटमोसफियर मेक्स हिम फॉरगेट एवरीथिंग, फेसिस ऑफ डेड पीपल दे डियर वंस एंड दे नेवर कम बैक अगेन। तो वो उन्हीं चीजों को याद करते हैं दर्द में, जब अपनी आंखें बंद करते हैं उन लोगों को जो उनके लव वंस थे और वो अब दोबारा नहीं आएंगे। नेक्स्ट अब वो कुछ इमेजेस को देखते हैं। क्लोज द रिवर द फिशरमैन लीव, अब वो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, फिशरमैन ब्रोकन शेक्स बाय द रिवर लेट इवन स्टार लाइट स्लिप आउट फ्रॉम देयर वीक रूप्स, a temple stand fragile and still in the distance and through lost his rewards। नेक्स्ट में वो क्या बात करते हैं कि एक फिशरमैन को देखते हैं जो कहां पे रह रहा होता है, लिव इन ब्रोकन शेक की जो उसकी झोपड़ी थी, नॉर्मली द मीनिंग ऑफ शेक इज बोरा, बट यहाँ पे जो उसकी झोपड़ी थी वो टूटी हुई थी, शेक आर इन कंडीशन टू रिपेयर, कि उसकी रिपेयर होनी चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। इवन द लाइट ऑफ द स्टार्स डज नॉट एंटर द लिव देम, कि वो इस तरीके से बना हुआ था कि जो स्टार्स की रोशनी थी, क्योंकि ये शाम की इवनिंग के टाइम पे बाहर बैठे थे नदी के पास, तो रिवर के पास, तो जो उस टाइम पे स्टार्स थे उनकी रोशनी भी उसके पास नहीं जा रही थी। देयर इज अ टेम्पल, अब वो टेम्पल की बात कर रहे हैं कि जो टेम्पल है स्टैंड इन कंप्लीट साइलेंस एंड इन वीक एंड क्रैकलिंग, कि कोई भी टेम्पल वीक और क्रैकलिंग कब होता है। यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो ये कि जो टेम्पल है उसकी फिजिकल सिचुएशन इज नॉट गुड, कि वो टूट रहा है कहीं से, क्रैक हो रहा है, और दूसरा रीजन यहाँ पे दिया गया है, अगर आप हिडन मीनिंग देखेंगे तो जो टेम्पल है वो वीक हो चुका है क्योंकि वहां पे लोगों ने जाना बंद कर दिया है। तो ये दो सेंस में काम करेगा। दस स्टिलनेस शोज द टेम्पल इज लॉस्ट इन सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, और स्टिलनेस, स्टिलनेस का मीनिंग वैसे होता है स्थिरता, जब कोई चीज स्थिर हो जाती है, एक जगह पे स्टेबल हो जाती है। तो जो टेम्पल है उसके स्थिर होने का मतलब क्या है, कि जो टेम्पल है वो लॉस्ट हो गया है। दोनों तरीके से मतलब इसका लिया जाएगा, बट जो हिडन मीनिंग है वो यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट दिखाई देती है, कि वहां पे अब लोग आते नहीं है, इसीलिए जो वो टेम्पल है वो क्या हो चुका है, वो क्रैक हो चुका है, फ्रेगल हो चुका है, और वो स्टिल हो चुका है। लास्ट पैराग्राफ है इसमें, इन अ हट अ सिक्स मंथ ओल्ड चाइल्ड अवेक्स एंड क्रॉल अक्रॉस द डंग वॉश्ड फ्लोर। उसके बाद एक बच्चे की इमेज को दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि 6 मंथ का है वो उठा है सोके और क्रॉल कर रहा है। क्रॉल होता है जब घुटनों के बल बच्चे चलते हैं, कहाँ पे क्रॉल कर रहा है, जो एक डंग वॉश्ड फ्लोर है, जो गांव में गोबर से, डंग मीन्स होता है जो गोबर होता है, सो जो गोबर से फ्लोर को साफ करते हैं उस फ्लोर पे चल रहा है। और ये लाइन किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, ये लाइन्स पॉवर्टी को प्रेजेंट कर रही है, गरीबी को दिखा रही है। नोस्ट नॉट आस्किंग वेयर ही इज गोज, और उससे कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इन द इवनिंग देयर इज अ लाइट लॉफर एंड द अबाउंडिंग डार्कनेस ऑफ वाटर ओवर विच अ अनसर्टेन लाइट ऑफ द मून लाइज लाइक अ फैमिलियर बट यूजलेस ऑर्नामेंट। उसके बाद जो बात होती है वो किसकी करते हैं,
क्रॉलिंग के बाद इट इज अ इवनिंग एंड साउंड ऑफ लाइट लॉफर इज ऑडिबल. ऐसा लगता है कि जो रोशनी है वो हंस रही है बहुत तेजी से. बट यहाँ पे क्या किया गया, इमेजरी का यूज किया गया. रियलिटी में क्या होता है कि कोई भी साउंड जो है कोई वो हंस नहीं सकती किसी के ऊपर. वन डज नॉट नो वे इज कमिंग फ्रॉम, द रिवर इज फुल ऑफ वाटर एंड इन द डार्क ऑफ इवनिंग. और जो पानी है उसके बारे में बात की गई है कि वो फुल ऑफ वाटर है, रिवर का जो लेवल है वो फुल ऑफ वाटर है. द मून लाइट इज फॉलिंग, और जो मून लाइट है वो उसके ऊपर गिर रही है अनस्टेडली एज इफ ई वॉर नॉट देयर टू कंटिन्यू, कि ऐसे पड़ रही है जैसे कि वो लाइट हमेशा उसके ऊपर नहीं पड़ेगी. अनसर्टेन लाइट ऑफ द मून लाइज अपॉन द सरफेस ऑफ द रिवर लाइक अ फेमिलियर ऑर्नामेंट, बट द ऑर्नामेंट इज यूजलेस. वो लाइट रिवर पे उसी तरीके से पड़ रही है जो मून की लाइट है, जैसे कि कोई ऑर्नामेंट हो, कोई ज्वेलरी हो. ऑर्नामेंट को ज्वेलरी से किया जाता है कनेक्ट, लेकिन एक ऐसा ऑर्नामेंट जो कि क्या है, यूजलेस है. तो यहाँ पे भी जयंता महापात्रा जी ने एक सैडनेस का माहौल क्रिएट किया कि किसी लव वन की डेथ हो गई है. उसके बाद वो फिशरमैन की बात करते हैं, फिशरमैन के बाद वो टेम्पल की बात करते हैं, आफ्टर दैट 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड की बात करते हैं, देन वो लाइट की बात करते हैं कि जो लाइट है वो हंस रही हो, लाफर कर रही हो, इमेजरी का यूज करते हैं. आफ्टर दैट वो बोलते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, वो एक यूजलेस ऑर्नामेंट की तरीके से. सो ये पोइट्री यहीं पे कंप्लीट होती है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट. आपको कोई भी क्वेरी, कुछ इश्यूज है तो आप कमेंट सेशन में डाल सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्रेस कर दिया करो लाइक बटन. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.